रविवार को सूबे की राजधानी देहरादून में निवेशकों को सूबे में निवेश के लिए लाने और विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने निवेशकों को लेकर एक बड़ा महाकुंभ आयोजित किया। इस कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां की थी। इस समिट को लेकर मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया से विचार साझा करते हुए कहा कि अब सूबे में कई बड़े औद्योगिक आए हैं, आने वाले दिनों में सूबे में विकास की गंगा के साथ रोजगार के बड़े अवसर आएंगे। सूबे में आए निवेशकों को लेकर सरकार और विभाग पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे थे। सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने इस समिट को लेकर कहा कि कई बड़े औद्योगिक घराने सूबे की ओर आकर्षित हुए हैं। इसके साथ ही इस समिट की सफलता का अंदाजा इस बात से लग रहा है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी निवेशक यहां आए हैं। अब तक आशा है कि 70,000 करोड़ का निवेश अगर सूबे में धरातल पर आता तो विकास के पैमाने पर उत्तराखंड तेजी से उभरेगा। और आज इस इन्वेस्टर समिट में जिस प्रकार का एक वातावरण बना, जिस प्रकार का एक लोगों का झुकाव, उद्योगपतियों का झुकाव राज्य की ओर है, ये हमारे लिए उत्साह और सौभाग्य की बात है। सूबे में ये समिट में छोटी छोटी इकाइयों और उत्पादों के माध्यम से रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि देश विदेश के उद्योगपतियों का रुझान प्रदेश की ओर बढ़ा है, ये हमारे लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के अलावा ई रिक्शा और अन्य छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में निवेश की संभावनाएं हैं। इनकी बात करते हैं, मैं उस सत्र के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। तो आज जब हम उत्तराखंड राज्य में मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो जहां उत्तराखंड राज्य 2003 से पहले और एक अध्यात्म राज्य के रूप में, जिसमें चार धाम हरिद्वार, जागेश्वर एक देवभूमि के रूप में पूरे देश में हमारी पहचान थी, आज हमने इन 15 वर्षों में राज्य बनने के बाद और जो हम अब नई पॉलिसीज लेकर आए हैं, उन सबके बाद आज एक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तकड़ी और लंबी छलांग जहां हमने लगाई है, वहीं उससे भी बड़ी छलांग लगाने के लिए राज्य तैयार बैठा है। विकास की गंगा बहने के लिए और सूबे में निवेश के जरिए रोजगार और आय की संभावनाओं को तलाशने का एक बड़ा अवसर सरकार के पास आया है। समिट की सफलता तभी संभव है जब निवेश के MOU धरातल पर उतरे।